मथुरा के कृष्णानगर क्षेत्र स्थित संजय नगर कॉलोनी का 22 वर्षीय युवक वीरू पुत्र भगवान सिंह चौधरी करीब 40 दिन पूर्व अपने घर से अचानक गायब हो गया था, जिसकी लाश भूतेश्वर क्षेत्र स्थित डंपिंग ग्राउंड पर बने कुएं के अंदर से पुलिस ने 7 दिन खुदाई करने के बाद बरामद कर ली। मथुरा जनपद में यह पहला ऐसा मामला था जहाँ पॉकलैन मशीन और जेसीबी मशीन से 150 फुट गहराई से मृतक के शव को निकाला। यह एक ब्लाइंड केस था जो कि पुलिस के लिए चुनौती था, लेकिन पुलिस ने अपनी सक्रिय कार्यशैली की बदौलत इस घटना का खुलासा किया और पुलिस ने हत्यारों को सलाखों के पीछे भेज दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक वीरू की हत्या उसके ही 2 मित्रों ने नशे की हालत में की थी। हत्या करने से पहले तीनों युवकों ने स्मैक का नशा किया था। नशा करने के उपरांत मृतक वीरू ने आरोपी की परिजन महिला के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। जनपद मथुरा के थाना कोतवाली के चौकी कृष्णानगर क्षेत्र में 23 दिसंबर 2021 को एक 22 वर्षीय वीरू उर्फ छोटू नाम का युवक जो है वो मिसिंग हो गया था, जिस संबंध में घर वालों को काफ़ी तलाश करने के बाद थाने पर इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा जब जाँच की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि ये आखिरी बार अपने 2 साथियों राहुल और रोहित के साथ भूतेश्वर एरिया में देखा गया था और संभवतः इन्हीं के द्वारा वहां पर बने एक कुएं, जो कि जलकल कंपाउंड में नगर निगम का एक कुआं है, उसमें इसको धक्का दे दिया गया है और ऊपर से मिट्टी डाल दी गई थी। इसी सूचना पर पिछले एक हफ्ते से लगातार इस कुएं की खुदाई की गई, जिसमें कि नगर निगम का भी सहयोग प्राप्त किया गया। एक हफ्ते की अथक मेहनत के बाद मृतक वीरू का शव बरामद कर लिया गया है। इसके उपरांत जो अभियुक्त राहुल और रोहित हैं, इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया। उस दिन जब ये लोग नशा कर रहे थे तो वीरू द्वारा कुछ ऐसी बात कह देने के बाद इनमें आपस में विवाद हुआ, जिसके चलते दोनों ने उसको उस कुएं में धक्का दे दिया, ऊपर से मिट्टी और पत्थरों से उस कुएं को ढक दिया। शव के बरामद होने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इन दोनों अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया है, अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। ये एक टोटली ब्लाइंड केस था, जिसमें चौकी इंचार्ज कृष्णानगर, थाना प्रभारी कोतवाली व सीओ सिटी और एसपी सिटी साहब के निर्देशन में इस ब्लाइंड केस का सफल अनावरण हुआ है, जिसके लिए इस पूरी टीम को 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया जा रहा है और आने वाले दिनों में अग्रिम विधिक कार्रवाई सभी साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। मथुरा में दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी, इसको लेकर के हमारे द्वारा खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी। इसके साथ यह भी दिखाया गया था कि जिस घटना स्थल पर घटना को अंजाम दिया गया उसको यदि आप देखेंगे तो रूह कांप जाएगी। इसके बाद आज का फॉलोअप ये है कि इस घटना में पुलिस ने जो खुलासा किया है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के जो बयान आए हैं, उन्होंने जो वाइट दी है उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि आरोपी युवकों द्वारा उस घटना को अंजाम दिया गया और घटना इसलिए पैदा हुई कि जब तीनों दोस्तों ने नशे का सेवन किया तो दोपहर के वक्त कंपाउंड के पास तीनों दोस्त बैठे हुए थे और बातचीत में मृतक वीरू ने एक महिला सदस्य के बारे में कुछ ऐसी बात कह दी जो कि अन्य 2 दोस्तों को गलत लगी, जिसके बाद हॉक टॉक होने के बाद युवक वीरू को कुएं में धक्का दे दिया गया और ऊपर से ईंट पत्थर बरसा कर उसको घायल कर दिया गया। उसकी मृत्यु कुएं के अंदर पड़े पड़े ही हो गई, कुल मिला के कह सकते हैं कि उसकी मौत हो गई। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो आप देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर ये तय है कि आखिरकार आज के ज़माने में दोस्ती करना बड़ा ही खतरनाक है और सबसे बड़ी बात जब दोस्त विश्वासघात कर दे वहाँ और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि घटना का खुलासा हो चुका है, लेकिन यहाँ 2 चीज़ निकल के आती हैं। एक तो युवाओं में जिस तरह से नशे की लत बढ़ रही है वो भी समाज के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, और जिस प्रकार से अन्य चीज़ें समाज में निकल कर आ रही हैं वो भी समाज को किसी दूसरे रूप में ले जा रही हैं, ख़ास तौर से युवा वर्ग को। घटना का खुलासा हो गया लेकिन एक परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया। न्यू न्यूज़ के लिए अपने साथी राज सोलंकी के साथ रवि यादव।